ये मेरे हस्बैंड। अभी रात के 2 बज गए हैं और अब मेरे हस्बैंड और भाई आए हैं, तो वो रहे नीचे। कोई पहुंचे ना पहुंचे, गली का डोगी है वो तो जरूर इनके पास फटाफट से पहुंच जाती है, काली नाम की। ये री नोनी और ये ईश्वरी है, और वो री डोगी, वो तो जरूर ही आएगी। अभी आ गया मेरा भाई, डब्बा भर के ला रही थी, बट मामा कहता ले जा ऊपर फ्रिज में जगह नहीं, तो मैं इतनी सारी ले आई। वेरी गुड। और सर्दी में ठंड में इसी में ला रही मैं तो। ये क्या चमचे? नाना दिए इसको, बढ़िया वाले। ए सारी झूठी मत कर दियो, मेरे को भी दे दे जब आएगी। ओए ओए एक सेकंड टाइम। रात के 1:30-2 बजे हम खा रहे हैं आइसक्रीम, जो कि अभी जस्ट आई है हमारे घर शादी से। चम्मच भर कुल्फी का तो हमारा काम ही है, और आइसक्रीम हमें वैसे ही खाने को मिल गई है। ये हटा दो कॉफी खानी है मेरा तो। एक कटोरी लिया, सारी थोड़ी ना यूज करनी है बेटा, इतनी थोड़ी ना खानी है, थप्पड़ मारूंगी इसके। जितनी खानी खा लो, जितनी खानी खा लो बाकी फ्रिज में रख दो। अभी बताऊं तेरे को मैं, रात को गला पकड़ लेगा, सिर्फ टेस्ट करने के लिए थोड़ी सी ले लो। अमूल वाला जितनी 10 रुपए की देता है ना, बस उतनी खानी है। नहीं इतनी सारी ये खाएंगी दोनों तो इनका क्या हाल होगा गले का। नहीं बेटा कटोरी में निकाल ले। और पता है क्या कर, बाकी उठा के रख दे, खानी तो तुमने ही है ना, दिन के खा लेना, मतलब ये टैबू का। और क्या, कोई और थोड़ी ना इधर खाने के लिए, थोड़ी पापा ने निकाल ली है नीचे, वहाँ पे भाई वगैरह खा लेंगे। एक और कटोरी लेके आ, इसी में निकाल लेना बेटा, क्यों उसको करना। जो मेल्ट हो रही है ना वो ले, क्योंकि वो दोबारा जमेगी नहीं, और जो जमी हुई इसे छोड़ दे, और ढक्कन लगा के इसे रखना, नहीं तो ये फिर हमारी फ्रिज में चलेगी नहीं, हो जाएगी शेक बन जाएगा। तो चलिए गुड नाइट, क्योंकि हम लोग तो अब आइसक्रीम खा के फिर लुढ़क जाएंगे। अरे पापा, पापा ने बोला बाहर इतनी ठंड है, ठंड में ठंड थी। अरे पूरी गाय गीली हो गई थी वैसे। ज्यादा भी ना, नहीं धुल गई ना गाड़ी से। खाते खाते मत बोल, देख गाड़ी तो धुल गई ना आपकी। पूरे इतने दूर से आया, सिर्फ पुलिस वाले पता जो नाले सीधे जाते नहीं टक्कर देने, वहां पे सिर्फ पुलिस वाले थे, बाकी रास्ते कोई भी नहीं था खाली। नहीं वो सन्नाटेदारी होती है जगह पे, पूरा जंगल ही जंगल। Hey guys, good evening and welcome back to my channel. अभी शाम के 7 बज रहे हैं और इधर मैं धो रही हूँ अपने कपड़े कपड़े क्योंकि ज़्यादा हो गए थे। कल बेड क्लीन किया था ना, तो उसमें से भी थोड़े बहुत जो बेडशीट वगैरह उतारी वो भी हो गए थे, तो अगर आज ना धोती ना इसे तो फिर कल बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, तो एक संडे की तरह दिन हो जाता है, फिर अगला दिन संडे का, तो फिर वो मंडे को धुलते हैं, या बीच में अगर मैं सैटरडे संडे धोती तो धोते नहीं बनता, जैसे रूटीन पूरी बिगड़ जाती है। ये लोग स्कूल गए होते, हस्बैंड काम पे गए होते ना, तो काम करने का एक अलग मजा है। तो चलिए उधर धुल रहे हैं कपड़े, तो मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय पीती हूँ करारी सी, फिर इधर दाल चावल जो भिगो रखे वो करती हूँ, थोड़े से बर्तन है इनको भी कर लेती हूँ। फाइनली सारे कपड़े धुल गए हैं और 8:30 हो गए हैं। किचन में भी सारा रसोई के बर्तन जितने थे सारे कर दिए, चाय भी पी ली एकदम करारी सी, साथ में पुदीना रा पी लिया। पुदीना रा भी जस्ट पिया है क्योंकि हस्बैंड लेके आए थे ना, उनको बना के दे रही थी, तो मैंने कहा चलो थो गुट मैं भी मार लेती हूँ, जो गैस वैस बनी होगी पास हो जाएगी। कपड़े में सब डाल दिए, मैट भी धो दिया था लास्ट में जो पानी बचा था, अब सिर्फ वो बेडशीट रह गई है, छत पे जाऊंगी डालूंगी, और इस मशीन को इस साइड करनी है, लेकिन ये कर दूंगी कल। दाल हो गई है, चावल हो गए हैं, दाल में बस तड़का लगेगा। आलू आ गए हैं मंडी में, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये देखिए अभी उस दिन मैं 50 रुपये किलो लाई थी, आज ये 30 रुपये लाए हैं, और अभी 4-5 दिन बाद ये और सस्ता, फिर और सस्ता, फिर और सस्ता, फिर किसी टाइम पर ये मिलेंगे 30 रुपये की धड़ी, मतलब 30 रुपये के 5 किलो। एक ये सेम फली आ गई है, ये बनेगी कल, और गोभी तो अच्छा करा, जबकि मैंने इनको बोला भी नहीं था, ये फिर भी ले आए हैं, लेकिन गोभी ला के बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। सुबह परौंठियाँ बनाऊँगी, बहुत 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 दिन हो गए हैं परौंठियाँ खाई, और अब गोभियाँ ना ताज़ी आ रही है। अभी मुझे रखने हैं चावल, पापा लेके आए थे ना, धनिया भी आ गया है, धनिया के साथ तो गोभी और भी अच्छी है। ये मंगवाया मैंने सोए की गड्डी, आलू और ये वाला सोया, मतलब ये धनिया की तरह ही काम करता है, जिसको नहीं पता, बस इसकी खुशबू अलग होती है, तो इसकी और आलू की भुजिया बनाऊंगी,
यम्मी लगती है। और यहाँ पे मुझे डालने हैं इसके ऊपर चावल, क्योंकि चूहे का कुछ नहीं पता होता, जब मर्जी आ जाते हैं बाऊजी। मुझे तो लगता है अब चूहे ना सीढ़ियों से उतरना चढ़ना सीख गए हैं। तो ये चावल है जो ये आए हैं मम्मी के घर से, क्योंकि मेरे पापा जब भी लेके आते हैं ना तो वो ज़्यादातर बोरी ले आते हैं। मैं तो जैसे जितनी चाहिए उतनी ही लाती हूँ, लेकिन वो बोरी लेके आते हैं और दोनों के घर में एक ही चावल आते हैं। और मेरी मम्मी के घर में ना कम बनते हैं चावल, ज़्यादा नहीं बनते हैं, क्योंकि मेरे पापा भी नहीं खाते और मेरा छोटा भाई भी नहीं खाता। डब्बू सिर्फ कौन खाता है, मेरी मम्मी थोड़े बहुत खाती हैं और मेरा बड़ा भाई खाता है। तो उनके घर ना जैसे जितने चाहिए तो उतने निकाल लिए, वो काफ़ी दिन चल जाएंगे। और ये मेरे घर है और ज़्यादातर क्या होता है, जैसे मैं बना रही हूँ चावल और नीचे रोटी है तो बोल देते हैं कि सिर्फ भाई को चाहिए बड़े वाले को, तो उसके लिए भी थोड़े से डाल दियो, तब वो इधर से ले जाता है तो ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या हुआ, क्या देखने आया है? क्या देखेगा, सब्जियां आई है? इधर आ, इधर देख ले, ये खाएगा? ये पता है क्या देखने आया है, मेरे हस्बैंड आए हैं सब्जियां रख के, डल्लू लेके दूध लेने चले गए हैं। इससे अभी बात नहीं करी है, वो आते हैं इसे बिस्किट वगैरह देते हैं या और कुछ खाने के लिए देते हैं। तो ये अब थोड़ी देर इधर टहलेगा ताकि वो जब आएंगे तो सबसे पहले इसी को पकड़े। मतलब हमारी ना कोई वैल्यू नहीं है इसके लिए, सारी वैल्यू उनके लिए ही है इसकी। देखो ऐसा ही है, चावल भी जो पापा ने भिजवाए थे वो मैंने रख दिए हैं। मतलब किचन रसोई का आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया मुझे। अब सर्दियों के लिए मुझे रसोई के लिए एक मैट लेके आना है, तो जब टाइम लगेगा जाऊँगी एक लेके आऊँगी। बाजार में ना मिल रहा था, इस मंगल बाजार में जो हमारे घर के पास में है, वो 150 का दे रहा था, बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, थोड़ा सा महंगा या 100 रुपये का देना चाहिए था, बड़े वाले मैट से थोड़ा सा छोटा मैट था। लेकिन अगर मुझे कुछ नहीं समझ आया तो फिर मैं वही ले आऊँगी, एकदम मुलायम मुलायम वाला था। तो जब नए मैट होते हैं ना तो मैं उनको बहुत 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 प्यार से संभाल के यूज़ करती हूँ, क्योंकि यार नया है, थोड़ा टाइम तो नया सा लगे, फिर ये पुराने हो जाएंगे तो इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। बस ये अब चल रहे हैं। लेकिन मेरा रेड वाला मैट जो कि मैंने धोया है अभी, वो बहुत अच्छा निकला है, 100 रुपये का था, लेकिन वो इतना अच्छा निकला, उसे जैसे मर्जी धो लो, कोई टेंशन नहीं है, और आराम से नाना करके वो एक हफ्ते से ज़्यादा निकल जाता है। मेरे घर एक हफ्ता में इसलिए बोल रही हूँ, ये देखिए ये है एंट्री की जगह, सीढ़ियाँ, और यहीं पे मैट रहता है। रसोई में से जाना है तो रसोई भी देखिए, ये रही रसोई, इधर मैं खड़ी हूँ, इधर से मैं अंदर गई तो इसकी सारी डस्ट इसमें जाएगी, और अगर इधर से हम आते हैं तो सीट पर उतार देते हैं, फिर यहाँ से आए तो फिर अंदर डस्ट। तो इसलिए ये एक ही मैट है मेरे घर में जो कि सारी जगह का काम करता है, तो इसलिए इधर का मैट ज़्यादा गंदा होता है। रेड वाले की तारीफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये भी एक मैट है जो कि मैं पिछले साल लेके आई थी, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं निकला है, वेस्ट ऑफ मनी है ये, वेस्ट ऑफ मनी जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ, इतना अच्छा नहीं निकला है। ये भी 100 रुपये का ही था। और छठ पूजा गई है तो छठ पूजा का प्रसाद आया है, इनकी फैक्ट्री में लेबर है ना तो उन्होंने भिजवाया है। वैसे हम लोग भी जाते थे छठ पूजा में, मेरी जेठानी करती थी, लेकिन वो गांव में है तो इसलिए हम जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रसाद हमें माता रानी टाइम टू टाइम भेज देती है। पिछली बार भी मिल गया था, इस बार भी मिल गया है, दो जगह से बल्कि आया है। दो लड़के हैं ना, तो एक लड़के ने भेजा एक साथ वाली फैक्ट्री में, क्योंकि वो सारे बिहार साइड के ही हैं तो उनमें तो पूछते ही हैं मेन, तो प्रसाद भी दिया था। तो चलिए तड़का लगा लेती हूँ सब्जी में। यहाँ पे कढ़ाई के अंदर थोड़ा तेल लिया, जब अच्छे से गर्म हो गया तो उसमें मिर्चियाँ मैंने डाल दी है, मिर्चियाँ लंबी से फाड़ के वही डाल दी है। तो अब मैं गोल गोल नहीं डालती, बच्चों के मुंह में आती है तो ऐसे ही साबुत लंबी निकल जाती है। यहाँ पे मैंने लिए थे आलू, जिन्हें अच्छे से काट के धो लिया है, क्योंकि इस मौसम के आलू बहुत मिट्टी वाले होते हैं तो धोना बहुत ज़रूरी है, हल्का भी आलू में मिट्टी रहेगी तो क्रिक आ जाते हैं। और डालने के बाद अच्छे से 2 मिनट के लिए पकाया है, फिर इसके अंदर साग डाल दिया है सोया, इसको ढक दूंगी और जब ये 50% हो जाएंगे तब इसमें नमक डालूंगी, और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस जब ये पक जाए अच्छे से
तो इसे खोल के अच्छे से भून लो तो ये काफी टेस्टी लगती है। वैसे तो ये सब लोहे की कढ़ाई में बनने वाली आइटम है, बट लोहे की कढ़ाई पतली है तो मजा नहीं आता, इसलिए मैं इस वाली में बना लेती हूँ। यहाँ पे तड़का पैन लिया है जिसके अंदर मैंने थोड़े से लहसुन गोल गोल काट के डाले हैं। फिर लहसुन थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गया तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हो और कड़ी पत्ता, ये दो चीजें और इस वाली दाल में डलती है तो टेस्टी लगता है। कड़ी पत्ता उतारने का भी टाइम नहीं है, रात हो रही है, और मिर्ची मैंने सब्जी में ज्यादा ही डाली है तो अच्छी चटपटी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दाल मेरी पूरी हो चुकी है, इसमें मतलब कुछ नहीं करना, हल्का सा उबाला ही लगवाना है। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे करूंगी एंड। खाना मेरा टोटली सारा कुछ हो गया है, सब्जी भी हो गई है, दाल भी हो गई है और चावल भी हो गए हैं। चावल थोड़े से मैंने बनाए हैं और थोड़े से दिन के पड़े थे, तो ऑल एवरेज सारा मतलब रात को अभी हो जाएगा। थोड़ा सा इधर धनिया पड़ा है, उसको मैं अभी थोड़ी देर में साफ कर लूँगी अंदर बैठे बैठे। और इस ब्लॉग का यहीं पर करूँगी एंड, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। गया परेशान हो गया, दिखा तेरा पेट कैसे निकला पड़ा है, गुदी 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 हुई। देखिए कह रहे छोड़ मेरे को, छोड़ छोड़ बदतमीज लड़की, मुझे छोड़ दे।